तमाम बैन अल-क़वामी एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खसूसी मईद यूसुफ ने कहा है कि तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी गई है। 26 से 30 जून तक 270 परवाज़ें पाकिस्तान आएंगी। जुमेरात को इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए मईद यूसुफ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म को इन पाकिस्तानियों की बहुत फिक्र है जो वतन वापस आना चाहते हैं। 2 से 2.5 हफ्तों में 40 से 45 हज़ार पाकिस्तानी वापस लाए जाएंगे। मईद यूसुफ का मज़ीद कहना था कि ये जहाज़ दुनिया भर खुसूसन खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों को लाएंगे, जबकि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले भी इनके ज़रिए जा सकेंगे। बाहर जाने वालों के लिए भी वही पॉलिसी है जो आने वालों के लिए है। उनके बकौल एयरपोर्ट्स पर मुसाफरों की स्क्रीनिंग की जाएगी और टम्परेचर चेक होगा। अगर किसी का टम्परेचर ज़्यादा हुआ या कोई और अलामत मौजूद हुई तो माहरीन इससे सवाल जवाब करेंगे और एक फॉर्म भी पुर करवाएंगे। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ने कहा कि अगर महसूस हुआ कि कोई मुसाफर मरीज़ हो सकता है तो माहरीन इसको जहाज़ पर सवार होने से रोक सकते हैं। मईद यूसुफ ने पाकिस्तान से बाहर जाने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर उनमें कोई अलामत है या फिर वो कोरोना वायरस के मरीज़ के साथ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट मत जाएं। अगर बाहर जाकर कोई मरीज़ निकल आया तो उससे ममालक के सफारती ताल्लुकात पर असर पड़ता है। उन्होंने इस बात की तर्दीद की कि पाकिस्तान से जाने वाले बेशतर अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ केसेस हैं और कुछ ममालिक ने तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया है। मईद यूसुफ का मज़ीद कहना था कि वस्ती दुनिया में कोरोना वायरस की वबा कम हो रही है, ताहम कुछ ममालिक ने शर्त आयद की है कि वहां जाने से कबल मुसाफर ने कोरोना टेस्ट कराया हो और वो मनफी भी हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो मुसाफर जिस मुल्क में जाना चाहें उस मुल्क की हदायात को अच्छी तरह से देख लें, 100% फिट ना हो तो मत जाएं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि जहाज़ों को इजाज़त देने का फ़ैसला पहले से तयशुदा था कि जब भी जहाज़ों को आने की इजाज़त दी जाएगी तो स्क्रीनिंग होगी। तो दोस्तों, ये थी अब की अपडेट्स। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।